नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं एसएफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, यह महीना उत्सव का महीना है, त्योहारों का महीना है। इस महीने में कई त्योहार गए हैं और शुरू भी है, लेकिन आज मैं जिस त्योहार की बात कर रहा हूं, ये त्योहार कुछ विशेष त्योहार है और ये त्योहार है सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वर्ग का। जी हां, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत लिपिक पदों पर काम करने वाले 119 लोगों को महानगर पालिका आयुक्त ने पदोन्नति देते हुए वरिष्ठ लिपिक बना दिया। तो उनके लिए ये त्योहार से कम नहीं है। कई सालों की उनकी नौकरी के बाद आखिरकार उनको पदोन्नति मिली, तो आज वसई विरार महानगर पालिका में हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। हालांकि पिछले साल कुछ वरिष्ठ लिपिक को महानगर पालिका आयुक्त ने पदोन्नत करते हुए अधीक्षक के पदभार पर पदोन्नति दी थी। उस समय लिपिक को वरिष्ठ लिपिक नहीं बनाया गया था, तब इन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष था और हमने भी उसका फॉलोअप किया था, हमने भी कहीं खबरें लगाई थी। फाइनली आज जाकर इन लोगों को भी प्रमोशन मिला और प्रमोशन से हर कोई खुश दिखाई दिया। अब इनको प्रमोशन मिलने के बाद लिपिक के जो पद खाली हुए उसके लिए जो लोग पात्र है वो आस लगाए बैठे हैं कि उनकी पदोन्नति हो और वो लिपिक के तौर पर महानगर पालिका में अपनी आगे की सेवाएं दे। तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि लिपिक के पद को भरने के लिए महानगर पालिका जो कोई उसके पात्र लोग है, कैपेबल लोग है, उनको जरूर पदोन्नति देगी। लेकिन आज वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त ने 119 लोग, आप लिस्ट देख सकते हैं, 119 लोगों को लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी है। तो कहीं ना कहीं अब वसई विरार महानगर पालिका में पदोन्नति होने के बाद महानगर पालिका का स्टाफ, जिसे मैंने शुरू में कहा कि उनके लिए एक उत्सव सा माहौल दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786